यूपी में योगी सरकार आने के साथ ही गौवंश के लिए गौशाला बनाने और वहीं पर उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था को लेकर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई थी। इसके लिए हर जिले में लाखों से करोड़ों रुपए धन आवंटित भी किया गया, लेकिन इसकी हकीकत गौशाला बनाने की योजना के कितनी अलग है, इसका एक दृश्य आपको अयोध्या की बैसिंगपुर गौशाला में दिखाई देगा, जहां आए दिन गौवंश बेबसी की मौत मर जाते हैं और उनको वहीं गौशाला में ही जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है और उनकी जगह बाहर से पकड़कर लाए गए दूसरे गौवंश ले लेते हैं। एक बार फिर गौशाला में भरे कीचड़ में फंसकर आधा दर्जन से ज्यादा गौवंश की मौत हो गई और दर्जनों गौवंश कीचड़ में फंसकर बीमार पड़ गए। प्रदेश की योगी सरकार भले ही गौशालाओं के लिए प्रतिमाह करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस समय हम बैसिंगपुर गए गौशाला में है, जहाँ पे आप स्थिति देख सकते हैं कि जरा सी बरसात होने के बाद ये पूरी गौशाला में पानी भर गया है। जिस तरीके से जो आला अधिकारी मौके पे यहाँ पहुँचे हैं, उनको ट्रैक्टर टाली से बैठकर वहाँ जाना पड़ा था, यानी कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ पैदल चलना दूभर है, इंसान नहीं जा सकता है, तो जानवर जगह जगह जो है जो गोवंश हैं वो इस कीचड़ में फंसे हुए हैं। और जैसे कि लोग बता रहे हैं कि कई जो है जानवर की मौत भी हो चुकी है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जानवर इन दलदल में फंसे हुए हैं। कुल मिला के कहा जाए कि जिस तरीके से जो सब्जीबाग दिखाया गया है गौशालाओं का, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं से परे जो है यहाँ की बड़ी दुर्दशा खराब है। तो अब जाकर चूँकि जब मरने गौवंशों को मरने की बात आई है, तब आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय 5 गौवंशों के मरने और 1.5 दर्जन से अधिक गौवंश के बीमार होने की बात स्वीकारते हैं। करीब 1.5 दर्जन गाय हमारे यहाँ बीमार हैं। अभी जानकारी जो मिली है उसमें 5 गायें आज जो है उनकी मृत्यु हुई है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस गौशाला के लिए 8.5 करोड़ रुपये पिछले साल दिया था, आप देख ही रहे हैं बहुत तेज़ी से निर्माण चल रहा है। कोरोना के कारण इसका गति बीच में रुक गई थी, इस नाते ये मौसम के नाते कुछ यहाँ पर दुर्व्यवस्था हुई है, उसके नाते कुछ गायें इसमें दलदल में फंस गई थी 3-4 और 1 दर्जन से ऊपर गायें बीमार हैं। हमारी ये डिस्पेंसरी भी निर्माणाधीन है जो आप सामने देख रहे हैं, टेम्परेरी डिस्पेंसरी हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। फिर भी जो भी इसमें जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस लापरवाही के लिए। वैसे तो गौशाला में बीमारी समेत अलग अलग कारणों से गौवंशों के मरने की खबरें आती रहती है, लेकिन बारिश का मौसम गौवंशों के लिए काल बन जाता है। गौशाला में जगह जगह ऊंची नीची भूमि, ऊपर से दलदली मिट्टी के साथ फैला गोबर बारिश में ऐसा हो जाता है जिसमें अगर कोई गौवंश फंसा तो निकलने की कोशिश में और फंसता ही जाता है। उन्हें निकालने की कोशिश भी तब होती है जब पानी सूख जाने के बाद दलदल समाप्त हो जाता है, लेकिन तब तक बीमारी और भूख से गौवंश उसी गौशाला में दम तोड़ देते हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।